हेलो स्टूडेंट, क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आपके व्याकरण किताब का एक चैप्टर पार्ट 13, अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन या अशुद्धि शोधन क्या है, आपको यह चैप्टर शीर्षक के नाम से ही थोड़ा सा लगता होगा अटपटा, क्योंकि यह सारे शब्द हिंदी के हैं, शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, और जब तक कि आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उसको पूरे तरह से आपके सामने वह स्पष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसके अर्थ को जान लीजिए। सबसे पहला है अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब क्या होता है? अशुद्धि का मतलब होता है गलती। अशुद्धि का मतलब क्या होता है? अशुद्धि का मतलब होता है गलती। अशोधन का मतलब क्या होता है? शोधन का मतलब होता है सही करना। शोधन का मतलब गलती को सही करना। तो इस चैप्टर में आपको गलती को सही करना यह सिखाया गया है। तो गलतियाँ, हिंदी में गलतियाँ होंगी तो कैसी गलतियाँ होंगी आपको, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको मात्रा में गलती होगी। मात्रा क्या है? स्वर की मात्राएँ होती है। मात्रा जो है, वर्ण जो है, दो तरह के होते हैं। वर्ण आपको याद होगा, वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो व्यंजन की तो मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्रा होती है। जैसे हम अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे स्वर हैं और इसकी मात्राएं होती है। मात्राएं क्या होती है? आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, हर्षु की मात्रा, दीर्घु की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। ये सारी मात्राएं हैं। इससे जब शब्द में इसकी गलतियाँ भी गलती हो जाती है। अब जैसे हमको लिखना है, एक शब्द है, अर्थ बदल जाते हैं मात्राओं की गलती होने से, अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे हमको लिखना है सर, तो ये सर, तो सर बोल देते हैं आप लोग, जिसका अंग्रेजी में होता है हेड, ये हेड, तो हेड को सर नहीं कहते हैं, हेड को कहते क्या हैं? सिर कहते हैं। ये हो गई मात्रा। अब इसके बाद आपके सामने आता है कि अब जैसे मात्राओं में, तो यहाँ हर्षी दीर्घी की मात्रा में हो गया। अब इसी तरह से आपके लिए अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कहीं कहीं पर आप देखते होंगे में, तो ये में, और इसमें अगर हम इसके इस तरह से लिख देते हैं तो ये हो जाता है मैं। तो ये है में। में का मतलब किसी चीज़ में, अंदर, अंग्रेजी में इसको इन कहते हैं, अंडर कहते हैं, लेकिन यहाँ है मैं। तो मैं का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको आई, और यह एक व्यक्ति से संबंधित है। इस तरह से जब कहीं में लिखना है तो में लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो वो अशुद्धि मानी जाएगी। अब इसके बाद अशुद्धि शोधन में आता है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी, अब देखिए लिंग संबंधी, लिंग क्या है? तो लिंग होता है जो हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताता है, स्त्री का बोध कराता है और पुरुष जाति का बोध कराता है। तो ऐसे शब्द भी होते हैं। अब जैसे आपके सामने रहेगा लड़की लिखा हुआ, खेल रहा है, लिखना है खेल रहा है, तो ये खेल रहा है, ये तो लड़का के लिए हो जाता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कहीं कहीं पर गलती कर जाते हैं, खेल रही है, लिखता है लड़का का नाम और लिख देता है लास्ट में क्रिया में वह स्त्रीलिंग का रूप कर देता है, इसलिए इस तरह से। इसके बाद आपके सामने आता है वचन संबंधी। वचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ये एक वचन और बहुवचन क्या है? अब जैसे देखिए, तो प्राण, प्राण शब्द तो एक वचन का है, प्राण शब्द तो एक वचन का है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो इसका हम
प्रयोग बहुवचन में करते हैं, और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो वह गलती मानी जाएगी। इसलिए लिंग संबंधी, वचन संबंधी और मात्रा संबंधी, यह तीन अशुद्धियों को ठीक करते हैं, तभी हम अशुद्धि शोधन को ठीक से जान पाएंगे और सेंटेंस हम सही सही लिख पाएंगे। अब आप लोग अपने अपने व्याकरण की किताब में यह चैप्टर देखिए और समझिए, अगर दिक्कत होगी तो फिर आप पूछिएगा।